तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे चैनल में, जिसका नाम है अनोखी दुनिया द यूनिक वर्ल्ड। तो आज हम ओल्ड मार्केट जो डहर की है डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश, वहाँ से हम अभी 4 लेन के लिए टर्न होंगे। हमें कुछ काम था, पहले भी हम 4 लेन से आए थे, जो कि मैंने पिछला ब्लॉग डाला था आपको डहर का टोल प्लाज़ा का। हम थोड़ा सा काम पड़ गया था, हमें डहर मार्केट में जाना पड़ा, क्योंकि अभी 4 लेन के नज़दीक कोई ऐसी दुकानें नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। तो उस करके हमें डहर का जो 4 लाइन है उसे छोड़ के डहर की पुरानी मार्केट में जाना पड़ा। तो अभी दोबारा अपने इसमें आ चुके हैं जो आपका नया 4 लेन बन रहा है। तो अभी हम जो कि स्वार घाट से लेके यहाँ तक ये 5वीं टनल है, तो हम अभी भवाना की 5वीं टनल में वहाँ तक जाएंगे। वहाँ देखेंगे कि टनल खुली है कि बंद है कि क्या है। तो अभी हम देखिए, बिल्कुल डहर के मार्केट के ऊपर से अभी हम जा रहे हैं। ये डहर की मार्केट है, यहाँ से मेरे मतलब राइट हैंड साइड को, जो नीचे को अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि गाड़ी में था, तो गाड़ी रोकना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए डहर का जो यहाँ पे लिखा हुआ बस अड्डा आ चुका है। तो अभी हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। देखिए ये जो अगला आपको ये जो स्टॉप दिख रहा है, ये जो पौड़ियाँ भी लगी है, ये है आपका अलसू। मतलब तो थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ से, देख लीजिए यहाँ पे डहर 0 लिखा हुआ है। देखिए ये आपका अलसू आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बस स्टॉप भी बना होगा। और ये जो मेरे राइट हैंड साइड को जो रोड दिख रहा था आपको, ये गया आपको बरमाना फैक्ट्री में जाके टर्न होगा। ये रोड मतलब बरमाना फैक्ट्री को सीधा सीधा कनेक्ट करेगा ये 4 लाइन से। देखिए का जबकि ये जो जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये आज से कम 7-8 साल पहले बन चुका है ये रोड। देखिए हम बिल्कुल अच्छा रोड बना दिया गया है, बीच बीच में कुछ पैचेस भी डाले हुए हैं इसमें। ये देखिए अब हम यहाँ के जो अलसू का स्कूल बोलते हैं, यहाँ डहर में ही है, मतलब ये अलसू के स्कूल के पास पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके हमें एक टर्न मिलेगा, जो कि कांगू के लिए पुराना जो रास्ता था, जो को कबाया कांगू होके सुंदरनगर के लिए जाता था। देख लीजिए यहाँ से ये जो आपको सामने ब्रिज दिख रहा है, ये चला जाएगा आपका सीधा मंडी के लिए जो 4 लाइन है। और ये यहाँ से ये पुराना रास्ता था, अगर किसी ने सुंदरनगर जाना होता था तो इस रास्ते से, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर कांगू है, और यहाँ से हमें लगभग 15 किलोमीटर ही पड़ेगा पूरा सुंदरनगर, अगर हमने सुंदरनगर जाना है। पर फिलहाल हम T5 जो कि भवाना की 5वीं टनल है, मतलब इस 4 लाइन की पूरी 5वीं टनल है, वहाँ तक हम जाएंगे। टनल का थोड़ा सा देखेंगे कि टनल कैसी बनी है, टनल खुली भी है, कितना काम चला हुआ, अभी वहाँ तक हम देख कर आएँगे। देख लीजिए यहाँ पर ऐसा है कि कोई कोई लाइन खुली है, कोई कोई बंद है। देख जैसे हमारा जो हमने वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए जाना था, पर वो रोड अभी बंद है, तो हम अभी जहाँ से रोड खुला हम वहीं से जा रहे हैं। तो आगे हम फिर अपनी लाइन में पहुँच जाएंगे फिर दोबारा। और ये देख लीजिए यहाँ से जो है, ये देख लिए भवाना, यहाँ से लगभग कोई 2 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। देख लिए यहाँ दूसरी लाइन भी खुली है, तो हम यहीं से दूसरी लाइन में क्रॉस हो चुके हैं। तो गाइस ये देख लीजिए यहाँ पे हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं, भवाना टनल के पास पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे लगभग 1 महीना पहले बहुत ज़्यादा स्लाइड हो गया था, तो उस वजह से थोड़ी देर दिनों के लिए ये रोड बंद हो चुका था, जो कि अब खुल चुका है। फिर भी अभी एक साइड ही खुली है, दूसरी साइड काम लगा हुआ। देखो आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरा पहाड़ ही नीचे को आ गया था, तो दोबारा डंगे लगे हुए इस पर। देख लीजिए जी आज आगे तक ऊपर की साइड को एक घर भी है जो कि डैमेज हो चुका था। ये पहुँच चुके हैं हम T5 जो कि कीरतपुर मनाली एक्सप्रेस वे 4 लाइन की 5वीं टनल है। तो अभी हम टनल के बीच में एंटर करेंगे। देख लीजिए एक ही लाइन खुली है, अभी दोनों लाइनें उन्होंने खोली नहीं है। देखिए बिल्कुल शानदार नज़ारा टनल के मध्य में।
और यहाँ पे अभी तक दोनों तरफ की लाइटें, अभी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है इसका, ये तो इन्होंने अपने पर्पस के लिए खोली है, क्यों, और यहाँ से पब्लिक भी जा रही है क्योंकि इनको खुला तो रखना ही पड़ता है अपने काम के लिए भी, तो यहाँ से पब्लिक को भी थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। देख लीजिए ये टनल बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, अभी बहुत सा काम अभी बाकी रहता है। तो हम यहाँ से अब 1 किलोमीटर आगे, जब टनल ख़त्म होगी तो 1 किलोमीटर आगे जड़ोल पड़ता है, जड़ोली स्टेशन पड़ता है, जहाँ पे HPMC का जो जूस कॉर्नर भी है। देख लीजिए गाइस, हम टनल क्रॉस करने ही वाले हैं, ये हमने टनल क्रॉस कर दी है। बस ये जो आपका पुराना, जो मैं पहले आपको बता रहा था, जो कि कांगू से होते हुए आएगा रोड, जो कि पुराना सुंदरनगर का हाईवे था, हम वहीं पे जाके टच हो जाएंगे इससे। अभी लगभग है थोड़ा सा 500 मीटर के आसपास है अभी स्ट्रेच। देख लीजिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हो रखी थी ऊपर की साइड को, और ये इसका कनेक्टिंग ब्रिज है यहाँ पे, जो आपका पुराना इसका जो सुंदरनगर का हाईवे था उसको यहाँ पे ये लिंक कर रहा है। तो देख लीजिए आपका एक जो कांगू से रास्ता आ रहा है, ये आगे हम जो सीधा जाएंगे तो सुंदरनगर मंडी मनाली के लिए रास्ता जाएगा। तो बस गाइज हम यहीं तक थे आपके साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ओके बाय।